¿Ah? Angosto. अरे उन्हों पहला चीज़ मालूम है वो अम्मी की खिरखिरी थी। तुमने मालूम है दादी को अपने आप मालूम पड़ते सब। फिकर करते जी वो रास्ते पर कौन भी वहाँ कौन भी नहीं रहता ना वहाँ पूरी के में हो। तुम्हारी बात अलग है बा। फिर भी माँ बाप बीवी बच्चे थोड़ा डरने चले ना फिकर रहती। शेत करें का क्या यहाँ पर अभी रात के 10 बजे मैं और मेरे पिताजी जो है हमारे खेत में पानी देने के लिए आ चुके हैं। अब यहाँ से और हमें दूसरे खेत में जाना है। यहाँ पर हम हमारे इक्विपमेंट्स लेने आए हैं। किसान बनना बहुत ही हार्ड है यार। ठंडी हवा बारिश पानी इन सभी चीज़ों को छोड़ के जो है काम करना पड़ता है और फिर भी सरकार जो है किसानों की मदद नहीं करती। लोग किसानों को क्रिटिसाइज तो सर नहीं नहीं हाँ हाँ है 8 डिग्री है टेम्परेचर 10 और 8 के बीच में चाहिए ना। हाँ अरे मोबाइल में तो 8 दिखा रहा क्या। हाँ 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 मालूम मोबाइल का टेम्परेचर डिटेक्शन खराब है शायद। किसान इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं बा फिर भी साला लोग सता रहे है क्या नहीं। इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद भी रात बेरा ठंडी बारिश हवा पानी कुछ भी नहीं देखते हुए नींद सब चीजा छोड़ को लोगों के अस्तर काम करना तो फिर भी लोगों की हिम्मत नहीं देते। फिर भी मीडिया वाले कुछ भी दिखा रहे लोगों के बारे में इन्हों ये कर रहे हैं उन्हों वो कर रहे हैं कौन तो गुमराह कर रहा कहीं को अस्तर गुमराह करता है किसान को कौन। एडीएम निकाल रहे किसानों को लोग अब हम रात के 10 बजे जो है हमारे खेत में जवारी और गेहूं को पानी देने आ गए हैं। यहाँ आने से पहले मम्मी और दादी जी ने पिताजी को बहुत रोका कि रात बहुत हो गई आप मत जाइए दूसरे दिन सुबह को दीजिए। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने अपने फिर भी वो आ गए खेत को जिद करके नहीं अनाज डाला है जमीन में सब कुछ अगर पानी नहीं देंगे तो खराब हो जाएगा। इसलिए किसान बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करता है हिंदुस्तान का। लाइट रात में अगर होगी तो रात भर जागना पड़ता है नींद को त्यागना पड़ता है अभी बच्चों को छोड़ के माँ बाप को छोड़ के खेतों में आना पड़ता है पानी देना पड़ता है। देखो इतने अंधेरे में क्या दिखेगा यार सांप बिच्छू कांटा कुछ भी हो सकता है। फिर भी सरकार जो है बेकार से कानून ला के किसानों को सताती है क्या करे कुछ पता नहीं। मैं बहुत तो उगड़ हो गया है। सपोर्ट द फार्मर्स यार जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है उन लोगों को मदद कीजिए प्लीज प्लीज किसानों की मदद कीजिए। मक्का भी डाल रहे गेहूं के साथ यार मुझे लगे पहला तुम्हें सुबह कुछ डालेंगे क्या सब अवगढ़ है। इतने रात में अभी अब्बा जो है गेहूं और मक्का जो है पेरने वाले यहाँ पर इतने रात में बहुत हार्ड है यार बहुत ज्यादा हार्ड है।
हल्लो करो जी। बहुत चौकड़ है यार। हाँ जब इतना ज्यादा घास में जाना पड़ रहा है यार, बहुत हार्ड है। लगी लाइट। गचपन बहुत हुए यहाँ। हेलो फ्यू जुड़ी अभी। अरे बाप रे अल्लाह। क्या क्या करना पड़ता हो। इलेक्ट्रिशियन भी खुद ही बनने का। रिस्क है वो बहुत पर है। खेती की रिस्क है, जिंदगी की रिस्क है अपनी। ऐसा करना, इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद भी क्या फायदा नहीं है साला। क्या गिरा? शॉर्ट वाशर दबा, वायर जला ऊपर का। क्या यार ये? हाँ उगड़ो को बेटा, तो ये पानी चालू कर। चालू भी मोटर। मेरा कहना यह है कि जैसा इंडस्ट्री को 24 घंटे लेट देती है, वैसा खेती वाले के नहीं देते। हाँ गलत बात है फिर ये। मतलब पक तो 12 घंटे तो देना दिन के, 12 नहीं तूने 8 घंटे तो देना, वो भी दिन को देना। तुम 8 घंटे दे रहे, कभी रात को देते कभी दिन को देते, गलत बात नहीं है। प्रश्न उठाने वाला आदमी नहीं है बरोबर। ओगड़े होते हैं यार। आधा घंटा हुआ नहीं, आधा घंटा इसमें डाले फालतू में। ओगड़ा चाहिए। अगर ये चालू नहीं हुआ तो मोटर करना पड़ती और सुबह को। बाप रे बहुत ज्यादा ओगड़े है। कौन आवाज नहीं उठाता कि जब रात को कई क्वास्टर करिंग करके टाइमिंग लेट वाले एक दो के बोलने से कुछ नहीं होता शायद। नहीं इतना मेहनत कर को आए, नींद तोड़ को तुम्हें तो। हाँ उतने गचपन में हो रहा, अंदर के कहाँ जाते हैं अबा। इतनी ठंडी में लोग दुबक को सोते हैं।
रमजान दादा भी जाती नहीं इतनी रात में? अब रमजान दादा खेत को? बहुत हैरान है यार। और पप्पा का एक पहुंच जो है वो एक्सीडेंट की वजह से आज दुबे है। और यहाँ पर इतना मेहनत करके आने के बाद भी जो है लाइट चालू नहीं हुई, मोटर चालू नहीं हुई। इतना मेहनत करके हमारे अपा ने यहाँ पर गेहूँ और मक्का डाला, फिर भी पानी बराबर टाइम पर नहीं पड़ा लाइट की वजह से, अल्लाह के फजल से। क्यों यार, बहुत हार्ड है साला, किसानों के साथ ही क्यों अत्याचार होता क्या मालूम। और ये आजकल की बात नहीं है, सालों से अत्याचार हो रहा है किसानों पर और कोई आवाज नहीं उठाता। पर प्लीज प्लीज इन वीडियोस को शेयर कीजिए, सरकार तक पहुंचने दीजिए कि किसान कितना स्ट्रगल कर रहा है यार। अरे इतने ठंडी में जो है लोग अपने अपने रजाइयों में दुबक के सोते हैं, यहाँ पर एक किसान जो है रात भर पानी देता है, लोगों के लिए अनाज उगाता है। प्लीज यार प्लीज। सवा घंटा गए बाबू। हाँ यार।